राधे राधे फ्रेंड्स, मैं बीना पाठक मुरादाबाद से आज आपको इंडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इनकी अच्छे से केयर कर लें तो ये पूरे साल बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बने रहते हैं। तो वो आज मैं आपको बताऊंगी मैं इनकी केयर कैसे करती हूँ, किस डायरेक्शन में इन्हें रखना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, फर्टिलाइज़ कितना करना चाहिए, वो सब आज आपको मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ इनको। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले ये सुंदर सुंदर फूल दिखाती हूँ, कितने सारे खिले हुए हैं आज फूल। गुड़हल के फूल देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं और कितने बड़े साइज़ के, देखिए सारे फूल। इधर ग्रीन नेट में फ्रेंड्स मेरे सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं एक साइड, जिससे कि वो गर्म हवाओं से, ठंडी हवाओं से, पाले से सबसे बचे रहते हैं और सुबह सुबह की इन्हें अच्छी सी 10 बजे तक की धूप लगती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि डेफनबेकिया है, एग्लोनीमा है, क्रोटन है, ये जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और पाला गिरता है तो इनकी पत्तियाँ गलने लगती हैं और गल के पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड में और बहुत ज़्यादा गर्मी में, दोनों में ही हमें अपने इंडोर प्लांट्स को बचाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें उन्हें शेडी एरिया में रखें, ऊपर से कवर्ड एरिया में रखें, जिससे कि उन पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ, ओस या पाले का प्रभाव ना पड़े। देखिए कितने सुंदर लगते हैं इंडोर प्लांट्स, बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। इनकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फर्टिलाइज़ भी इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और बहुत अच्छे लगते हैं। डेफनबेकिया तो पाले से बहुत जल्दी ख़राब होता है, डेफनबेकिया है, मनी प्लांट है, एग्लोनीमा है, ये सब पाले से बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। ज़्यादा सर्द हवाओं में ये ख़राब हो जाते हैं, इनको ज़्यादा सर्द हवाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इनको अगर आपके अभी तक खुले में रखे हुए हैं ये प्लांट, तो आप इनको कवर्ड एरिया में रख दें, बरांडे में है, गैलरी में है, बालकोनी में है, इसमें इनको रख दीजिए जहाँ पर ये ऊपर से कवर्ड रहें, डायरेक्ट इन पर ओस ना गिरे, क्योंकि पाले में ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और इनकी लीव्स गल जाती हैं। विंटर में इनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है, पानी इनको जबी दें जब बिल्कुल मिट्टी इनकी सूख जाए पॉट की, स्प्रे आप इन पर रोज कर सकती हैं। स्प्रे आप इन पर रोज करेंगी तो ये अच्छे होंगे, ग्रीन होंगे और अच्छे भी लगेंगे, डस्ट भी इनकी साफ होती रहती है। तो इन सब प्लांट्स को पाले से बचाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एग्लोनीमा है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये, इन सबको पाले में ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए कैलेथिया है, चाइनीज़ एवरग्रीन है, एकदम इनकी लीव्स में पाले से गलाब हो जाता है। देखिए अरेका पाम है, देखिए सुंदर लग रहे हैं मेरे प्लांट। और ये देखिए मेरा छुटकू बैठा हुआ है, बहुत शैतान है ये भी, पूरा मेरे गार्डनिंग में मेरे साथ हेल्प करता है ये, इसको भी अभी से ही बहुत इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। मेरे से कहता है माँ आप बहुत मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत मत किया करिए प्लीज़। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, फर्टिलाइज़र भी इनमें कम डालिए, विंटर में इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बस पानी का आप बहुत ध्यान रखिए इनका, पानी ज़्यादा ना हो इनमें और पाले से बचाएं, तो आपके ये प्लांट ऐसे ही खूबसूरत बहुत अच्छे चलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है, सारे प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं, सुबह सुबह की इनको धूप लगती है। देखिए लग रहे हैं ना सुंदर, बहुत प्यारे लगते हैं,
ड्रेसिना के हैं ये मेरे सारे। ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है ड्रेसिना का। देखिए सारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फर्टिलाइज भी ज़्यादा मत दीजिए आप बस इनको, जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं तो वो थोड़ा थोड़ा इनमें डाल दें और इनको ऐसे ही चलने दें तो बहुत अच्छे से चलेंगे ये आपके प्लांट। थोड़ी सी केयर करिए, हमेशा ये मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करेंगे। और ये देखिए एक बात मैं भूल गई, मैंने सारे आगे के ये पिंक कर दिए हैं पेंट। बताइए मुझे देखकर कैसे लग रहे हैं ये पिंक कलर मैंने कर दिए हैं ये सारे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।